ड्रिल चक में दो प्रकार आते हैं। ये जो चक बना उसके करीबन 40 साल बाद ये चक किसी ने संशोधित किया। क्यों ये आजकल आपको ड्रिल मशीन में लेना चाहिए? हाथ से टाइट करने में वक्त कम से कम वक्त लगता। यहाँ पे जो टिप है ना, ये टिप भी टिटानियम कोटिंग की हुई है जो इसमें नहीं है। दोनों का एक्यूरेसी भी अलग अलग है। दोस्तों, फिर से आज आप आ चुके हैं बंका मशीन की यूट्यूब चैनल पर और यहाँ आज बात होने वाली है ड्रिल मशीन के बारे में। ड्रिल मशीन में ड्रिल चक लगता है। ड्रिल चक में दो प्रकार आते हैं। एक आता है, इसे कहते हैं कीलेस चक, ये जो की होती है उसके बगैर का ये चक है, और एक आता है की के साथ वाला, की वाला चक। तो ये जो चक बना उसके करीबन 40 साल बाद ये चक किसी ने संशोधित किया। तो ये चक बनाया है किस वजह से और क्यों ये आजकल आपको ड्रिल मशीन में लेना चाहिए, इसकी बात करेंगे। और कुछ हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जिन्हें इन दोनों चक के बीच में क्या फ़र्क है ये पता ही नहीं है, किस काम के लिए ये चक लेना ज़रूरी है, किस काम के लिए ये चक लेना ज़रूरी है, उसका पता ही नहीं है, उन्हें नॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो देखिए आज का कि ड्रिल चक ये कैसे ड्रिल के ऊपर लगता है और क्या काम करता है। दोस्तों, आपने ये तो देखा कि दोनों ड्रिल चक कैसे काम करते हैं, लेकिन अब मेरी बात सुनिए गौर से। ये टेपर सांक है, ये टेपर सांक जो है वो यहाँ नया जब चक होता है तो ये लगाना पड़ता है और यहाँ पे हमारी ऐसी जो स्लीव्स आती है वो लग जाती है। अब ड्रिल चक जो है इसको अगर आप हाथ से घुमाएं और अंदर जो ऐसा ड्रिल का कोई भी जो चीज़ है वो ये अगर पकड़ लेता है, हाथ से ही घुमा कर पकड़ लेता है, जैसे मैंने इसको ऐसा लगाया, ये पकड़ लिया और ये हिलेगा नहीं, ये अगर अपनी जगह को छोड़ेगा ही नहीं, तो हाथ से टाइट करने में वक्त कम लगता है, कम से कम वक्त लगता है। और अगर यही चीज़ हमें अगर पकड़ाना है इसके अंदर, तो यहाँ क्या होता है कि भाई देखो ये है ना, इसको मुझे ऐसे घुमाना है और ऐसे घुमाने से ये अंदरूनी जो हिस्सा है वो नज़दीक आता है और कोई जो चीज़ है वो इसके अंदर हम पकड़ सकते हैं। तो हर दम आपको ड्रिल चक के साथ ये की ढूंढना पड़ता है और दोनों का साथ मिलान जब होता है, जब दोनों साथ होता है तभी ये काम कर पाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारा बहुत समय बचता है।
लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ हर ड्रिल खरीदने वाले को इसके साथ साथ ये ड्रिल चक भी खरीदना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको ड्रिल में टेपिंग करना है, देखिए ये भी टेपिंग कर सकता है लेकिन ये 5M मतलब 5 mm तक का तो टेपिंग कर देगा, लेकिन उससे बड़ा अगर आपको 12 mm का टेपिंग करना है, 10 mm का करना है, तो आपको यही चाहिए। बड़ा 10 mm 12 mm का टेपिंग भी आप इस ड्रिल चक से कर पाएंगे, तो ये की वाला चक भी एक आपके पास होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि ये 1000 रुपये का आता होगा तो इसकी कीमत उससे 3-3.5 गुनी ज़्यादा होगी, ये और महंगा होगा। क्यों ये महंगा होगा? क्योंकि ये अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, और इसको मैं एक वीडियो बताऊंगा जिसमें आप नज़दीक से देख पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों ये महंगा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो टिप है ना, ये टिप भी टिटानियम कोटिंग की हुई है, जो इसमें नहीं है। इसमें टिप टिटानियम कोटिंग नहीं है, और ये जो चक है ना, ये समझ लो 0.3 से 13 mm तक का ड्रिल कर सकता है, जबकि ये जो चक है ना, ये 1 mm 2 mm से लेकर के 13 mm तक का काम कर सकता है। इसका जो स्टैंडर्ड है, एक्यूरेसी का स्टैंडर्ड, वो J T 6 है, जबकि इसका जो स्टैंडर्ड है ना एक्यूरेसी का, वो है सिर्फ J 6। तो दोनों का एक्यूरेसी भी अलग अलग है। अब ये सस्ता आता है, पुराना टेक्नोलॉजी है, ये जो है वो महंगा आता है और नया टेक्नोलॉजी है।